हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे आ रहा ये रेड बटन क्लिक करें और इसके बगल में आ रहा ये बेल बटन भी क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो मैं फ्यूचर में अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर आए। हमारे वीडियो को लाइक करने के लिए थम्स अप पे भी क्लिक करें। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिटनेस विद कपिल। आज मैं एक वीडियो के बारे में बात करने जा रहा हूं जो काफी वायरल हो गया है और वो एक डॉक्टर के तरफ से वीडियो है जो वेज और नॉन वेज पे डिफरेंस बताने की कोशिश कर रहे हैं और वेजिटेरियन होने के लिए प्रमोट कर रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, विच इज नॉट बैड। उनका अपना एक एडवाइस है और एक वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करने में वो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। बट कुछ पॉइंट्स हैं जिससे जिसपे मुझे लगा कि मुझे आपको अपना ओपिनियन जरूर देना चाहिए क्योंकि वो मेरे हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों से मुझे प्रॉब्लम है, कुछ चीजें मेरे ओपिनियन में सही नहीं है और वो मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो उन्होंने ये बोला कि बीइंग अ डॉक्टर बहुत से पेशेंट्स उनको डाइट के लिए पूछते हैं, न्यूट्रिशन के लिए एडवाइस मांगते हैं, तो वो क्या सलाह देते हैं। सर, आपसे रिक्वेस्ट है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट कि जब भी आपसे कोई डाइट पे सलाह मांगे या न्यूट्रिशन पे सलाह मांगे, प्लीज रेफर देम टू अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट। हमारे इंडिया में, क्योंकि मुझे बाहर के बारे में पता नहीं है, मैं इंडिया में रहता हूं इसलिए मुझे इंडिया के बारे में ही पता है, मोर देन 80% ऑफ द डॉक्टर्स आर नॉट न्यूट्रिशनिस्ट। क्यों? क्योंकि जब वो अपने MBBS या MD PG की पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उनके पढ़ाई में एक सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट होता है न्यूट्रिशन का, और जब हम न्यूट्रिशन की पढ़ाई करते हैं तो हम पूरे साल केवल न्यूट्रिशन पे पढ़ाई करते हैं। तो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन अ डॉक्टर गिविंग एडवाइस ऑन न्यूट्रिशन एंड अ न्यूट्रिशनिस्ट गिविंग एडवाइस ऑन न्यूट्रिशन। सो आई रिक्वेस्ट यू फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, प्लीज रेफर योर पेशेंट टू न्यूट्रिशनिस्ट। सेकेंड, उन्होंने ये बताया कि, और ये उन्होंने गूगल करके पता किया कि 1900s में 75% पॉपुलेशन जो है वो वेजिटेरियन थी और 25% पॉपुलेशन जो है वो नॉन वेजिटेरियन थी, जबकि आज बिल्कुल ऑपोजिट है। और इसका जो रीजन उन्होंने दिया है वो दिया है लॉस ऑफ इंडियननेस, कि हमारे अंदर से भारतीयता खत्म हो रही है और इसलिए हम वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, अगेन दिस इज नॉट द रीजन, और ये बिल्कुल बोलने वाली बात नहीं है कि हमारा इंडियननेस खत्म हो रहा है इसलिए हम नॉन वेजिटेरियन डाइट पे शिफ्ट हो रहे हैं। नॉन वेजिटेरियन डाइट हमारे कल्चर में आज से नहीं है। राजा महाराजा क्षत्रिय हंटिंग के लिए जाते थे, ये आपने खुद अपने वीडियो में बताया है, और वो मीट का सेवन करते थे। उस समय हमारी सोसाइटी में बहुत डिस्क्रिमिनेशन था, हमारे यहाँ अपर क्लास हुआ करती थी, लोअर क्लास हुआ करती थी, और उसी हिसाब से उनको खाने और पीने की इजाजत दी, आप ये खा सकते हैं, आप ये नहीं खा सकते, राइट? और जैसे जैसे हमारी सोसाइटी इवॉल्व हुई, थोड़ा थोड़ा इक्वालिटी आना शुरू हुआ, लोगों के पास अपनी चॉइस आना शुरू हुई, आई होप यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ चॉइस, एंड पीपल स्टार्टेड हैविंग नॉन वेज। दिस इज नॉट अबाउट लॉस ऑफ इंडियननेस। You cannot say that if I turn from vegetarian to a non-veg diet, my Indianness has lost, right? So, मेरे हिसाब से ये बहुत ही गलत पॉइंट है, मेरे हिसाब से, ठीक है? फिर उन्होंने बताया कि जब भी कोई प्रेग्नेंट वुमेन किसी डॉक्टर के पास जाती है और उनका हीमोग्लोबिन कम होता है तो डॉक्टर उनको अंडे के लिए एडवाइस करता है, ये बोलते हुए कि वेजिटेरियन डाइट में कुछ नहीं रखा है, अंडे खाओ, which is again loss of Indianness. First, मेरा पहला वाला request कि कोई भी डॉक्टर हो, please do not advise on nutrition. Second, मेरे पास ये किताब है, और ये किताब जो है वो National Institute of Nutrition, जो कि Indian Council of Medical Research के अंडर में आती है, और इस किताब में एक पैराग्राफ है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, इसका क्लिप आपको स्क्रीन पे भी जरूर दूंगा, वेयर इट सेज द प्रोटीन्स ऑफ एनिमल्स एनिमल फूड्स लाइक मिल्क मीट फिश एक्सेट्रा जनरली कंपेयर वेल विद एग इन देयर एसेंशियल अमाइनो एसिड कॉम्पोजिशन एंड आर कैटेगराइज्ड एज गुड क्वालिटी प्रोटीन, दे आर ऑल्सो हाईली डाइजेस्टेबल। प्लांट प्रोटीन ऑन द अदर हैंड आर ऑफ पुअरर क्वालिटी
since essential amino acids composition is not well balanced and a few essential amino acids deviate much from the optimal level present in egg. Now, this is the book from Indian Council of Medical Research where it says that animal protein is superior than plant protein. Having said that, I want to assure all the vegetarians out there ki koi bilkul ghabrane ki zarurat nahi hai ki jo protein aapko apne khane se milne wala hai wo kam hai ya poorer quality ka hai. ये बुक जब पुअरर क्वालिटी की बात करता है तो इट मींस बायो अवेलेबिलिटी. उसका मतलब ये है कि अगर फॉर एन एग्जांपल 100 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट से मुझे 30 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिलने वाला है तो 30 ग्राम्स में से मेरा बॉडी इज गोइंग टू एब्जॉर्ब 25 टू 26 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. वेयर इन अगर सपोज करिए आपको एक कटोरी दाल और एक कटोरी चावल से अगर आपको 30 ग्राम्स का प्रोटीन मिलने वाला है तो आपकी बॉडी 17, 18, 20 ग्राम तक का प्रोटीन एब्जॉर्ब करेगी, बाकी वेस्ट हो जाएगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन बायो अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोटीन विच वी आर गेटिंग फ्रॉम एनिमल्स एंड द बायो अवेलेबिलिटी विच वी आर गेटिंग फ्रॉम प्लांट प्रोटीन. इसके अलावा कोई भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है. बट मैं ये बताना चाह रहा हूं जो प्रेग्नेंट वुमेन को हीमोग्लोबिन कम हुआ और अंडा रेफर किया गया, आई एम श्योर उसको रेफर इसीलिए किया गया होगा कि वो नॉनवेज या एग का सेवन करती होगी. इसी किताब में ये भी लिखा हुआ है और आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट से ये पता कर सकते हैं कि जो आयरन होता है वो दो तरीके के होते हैं, हीम आयरन एंड नॉन हीम आयरन. हीम इज HEME, ठीक है. So, heme iron is present in animal food, जैसे meat हो गया या इस type की चीजें, और non-heme iron जो है वो हमें plant से मिलता है. और आपको ये जान के खुशी होगी या आपको जान के ताजुब होगा कि heme iron जो हमें non-vegetarian diet से मिलता है वो हमारी body ज्यादा accept करती है than non-heme iron जो हमें plant से मिलता है. और अगर उस doctor ने किसी को अंडा रेफर भी कर दिया तो इसमें लॉस ऑफ इंडियननेस कहां से आ गया? ये तो उस पेशेंट की भलाई के लिए बोला गया है ना. ऑब्वियसली उसको ये तो नहीं बोला गया होगा कि आप अगर वेजिटेरियन है तो आप नॉनवेज खाना शुरू कर दीजिए, ठीक है, और नॉन वेजिटेरियन डाइट से आपको आयरन नहीं मिलेगा, सॉरी वेजिटेरियन आइटम से आपको आयरन नहीं मिलेगा. आई होप ऐसा तो नहीं कहा गया होगा. अगर ऐसा कहा गया है तब गलत है, यस. But if somebody is vegetarian, he or she is able to eat eggs, then why not eggs? If they are superior in quality, if your body is going to extract more iron from egg than plant protein, why not? And where is the loss of Indianness in that? ठीक है? Now, उन्होंने ये भी बताया कि non-veg खाने से ये सब चीजें होती हैं. क्या क्या? Toxicity, बीमारियां, cancer, heart attacks, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा होना, आईसाइट कमजोर होना, पित्त लेवल यानी कि एसिडिटी बढ़ जाना, ठीक है. और उन्होंने ये भी बताया कि हमारी बॉडी जो है वो नॉन वेज आइटम के लिए या नॉन वेजिटेरियन डाइट के लिए नहीं बनी है. अभी अभी मैंने आपको इस किताब में पढ़ के बताया है कि हमारी बॉडी जो है नॉन वेज डाइट को ज्यादा इजिली डाइजेस्ट कर लेती है, ठीक है. और दूसरी बात, जहां तक ये टॉक्सिसिटी डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे पास एक नहीं बहुत से क्लाइंट ऐसे हैं जो वेजिटेरियन डाइट खाते हुए, सालों से वेजिटेरियन डाइट खाते हैं, अंडा भी नहीं छूते, और ये सारी की सारी प्रॉब्लम उनमें भी है. एसिडिटी की प्रॉब्लम, टॉक्सिसिटी की प्रॉब्लम, हार्ट रिलेटेड डिजीजेस, ठीक है. सो माय डियर फ्रेंड्स, इट इज नॉट अबाउट ईटिंग वेजिटेरियन डाइट और नॉन वेजिटेरियन डाइट. इट इज ऑल अबाउट ईटिंग हाउ यू ईट. अगर आपकी बॉडी को इतने से खाने की जरूरत है और इतना आप खाना खाओगे, चाहे वो वेज हो चाहे वो नॉन वेज हो, तो आपके शरीर में प्रॉब्लम होगी. अगर आप जो भी खाना खा रहे हो वो फ्रेश नहीं है, ठीक है, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन डाइट में भी टॉक्सिसिटी है और उतनी ही टॉक्सिसिटी वेजिटेरियन डाइट में भी है. आजकल पेस्टिसाइड चल रहा है, इसीलिए आजकल ऑर्गेनिक फूड के नाम पर हम लोग कितनी महंगी महंगी चीजें खरीद रहे हैं और लोग बेच रहे हैं, ठीक है. तो चाहे हम कोई भी चीज खाएं, अगर वो फ्रेश नहीं है, अगर वो टॉक्सिसिटी उसमें ज्यादा है, तो ये सारी प्रॉब्लम आपको होगी.
It is not about having vegetarian diet or non-vegetarian diet. It is all about choice. Right? और ये सारी बीमारियां अगर आपको हो रही हैं तो इट इज बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस. आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको पता नहीं है कि खाना किस तरह से खाते हैं. ठीक है, वी आर मोर इन टू जंक फूड्स, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो. हम बाहर जाके खाना ज्यादा पसंद करते हैं देन की होम मेड कुक होम कुक फूड हो. तो बीमारियां तो होंगी ना, इससे वेज और नॉन वेज का क्या रिलेशन है. ठीक है, अब उन्होंने बताया कि आत्मा शुद्धि के लिए हमें वेजिटेरियन डाइट को खाना चाहिए. ठीक है, वो प्रमोट कर रहे थे कि अगर हम वेजिटेरियन डाइट का इंटेक करेंगे तो हमारी आत्मा शुद्धि होगी. अब इसका फैसला आपको इंडिविजुअली खुद करना है कि क्या वेजिटेरियन डाइट खाने से आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी. मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि आप कोई चीज खाएं और उस खाने की वजह से आपकी आत्मा शुद्धि होगी, बिल्कुल भी नहीं. आत्मा शुद्धि के लिए अपनी सोच पे काम करना पड़ता है. मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जो प्योर वेजिटेरियन डाइट है और विमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते, अपने से छोटों की रिस्पेक्ट नहीं करते. बाहर जाते हैं और रिक्शे वाले पे या अपने यहां काम करने वाले पे वो उसी तरह ट्रीट करते हैं जैसे वो उनके गुलाम हो. इसमें वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का क्वेश्चन कहां से आ गया. एक नॉन वेजिटेरियन डाइट ढंग से बात करे तो प्रॉब्लम है, और वेजिटेरियन डाइट ढंग से ना बात करे तो वो प्रॉब्लम है. राइट, सो देयर इज हाउ कैन यू रिलेट योर आत्मा शुद्धि विद द काइंड ऑफ फूड यू आर ईटिंग. यू हैव टू वर्क ऑन योर बिहेवियर, यू हैव टू वर्क ऑन योर थिंकिंग. सो फ्रेंड्स, आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज जहां भी हम इस टाइप की चीजें देखते हैं कि हम कोई भी आदमी भारतीयता से कोई चीज लिंक कर दे या धर्म से कोई चीज लिंक कर दे तो हम उसको ज्यादा एक्सेप्ट कर लेते हैं. प्लीज डोंट डू दैट. किसी भी चीज के लिए आपको अगर आपको सलाह चाहिए तो आप एक अच्छे और उसके जानकार आदमी के पास जाएं. अगर एक इलेक्ट्रिशियन से आप प्लम्बर का काम कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. एक प्लम्बर से आप कारपेंटर का काम कराएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी. एक न्यूट्रिशनिस्ट है, अगर आप दवा की आशा रखते हैं कि वो दवा प्रिस्क्राइब करेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी. सेम वेज अगर आप एक डॉक्टर से न्यूट्रिशन एडवाइस की आशा रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी. और हमारे यहां ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वेयर इन डॉक्टर्स आर नॉट रेफरिंग देयर क्लाइंट्स टू अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड दे आर गिविंग एडवाइस देमसेल्व्स. प्लीज डोंट डू दैट. प्लीज स्टार्ट रेफरिंग योर पेशेंट्स टू अ न्यूट्रिशनिस्ट फॉर अ गुड डाइट. हमें मालूम है कि आज जितनी भी बीमारियां हैं, स्पेशली लाइफस्टाइल डिजीजेस, डायबिटीज, पीसीओडी, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, दे आर ऑल रिलेटेड टू योर ईटिंग हैबिट्स. दे आर नॉट रिलेटेड टू योर इफ यू आर ईटिंग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, जस्ट ईटिंग हैबिट्स. वी आर मोर इनटू लेट नाइट्स, वी आर हमारी स्लीप क्वालिटी कम हो गई है, वी आर मोर लिविंग अ स्ट्रेसफुल लाइफ. इसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है. नॉनवेज और वेज का इसका कोई रिलेशन नहीं है. नॉनवेज और वेज इज ऑल अबाउट चॉइस. मेरी चॉइस है मैं वेजिटेरियन फूड खाऊं, मेरी चॉइस है मैं नॉन वेजिटेरियन फूड खाऊं. इससे ना तो मेरी थिंकिंग को इफेक्ट होता है और ना मेरे को कोई बीमारी होती है. बीमारी होती है द वे वी आर लिविंग, हमारी लाइफस्टाइल की वजह से. स्टार्ट हैविंग गुड स्लीप, और ये मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है. स्टार्ट हैविंग गुड स्लीप, स्टार्ट हैविंग होम कुक फूड, चाहे वो वेजिटेरियन हो चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो, और अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज करिए. एक घंटे का वर्कआउट इंक्लूड करिए अपने डेली स्केड्यूल में. सिर्फ ये चार चीजें करिए और देखिए आपकी लाइफ कितनी बेटर हो जाती है. सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने किसी को ऑफेंड नहीं किया है यहां पे, और मैंने एक इंफॉर्मेशन आपको देने की कोशिश की है. हम एजम्पशन पे इंफॉर्मेशन ना लें, एजम्पशन पे हम अपनी लाइफ किसी की नहीं चलती. ठीक है, सो ट्राई टू गेट गुड इन्फॉर्मेशन. आपको उसके लिए पैसे खर्च करने पड़े, आपको उसके लिए कहीं जाना पड़े, जाइए. इट्स अबाउट योर बॉडी, इट्स अबाउट योर हेल्थ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. अगर आपको लगता है कि इसमें 20-30% भी जो मैंने चीजें कही हैं वो सही हैं. थैंक यू सो मच.